वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। Hey guys, what's up bro? आज फाइनली हम स्केच बनाने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने स्केच कब बनाया था? Guys, एक फन फैक्ट बताओ, मेरे 300 प्लस स्केच वीडियोस में से किसी भी वीडियो में मैंने आज तक कोई एक्सपेंसिव पेंसिल यूज नहीं किया। क्या 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 क्या? यही टाइम है दोस्तों हमारा पेंसिल को अपग्रेड करने का। Can't I just die here on the beach, my fingers in the sand? भाई जिस दिन स्पॉन्सर होगा उस दिन दिखाएंगे यार, अभी तो मैंने इनके कपड़े उतार दिए। अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव पेंसिल नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मैं दूंगा, ये मत सोचना। भाई ये सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा गाइस, तुम लोग अपने ही फैमिली से हो तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोई भी प्रीमियम पेंसिल यूज ही नहीं किया, अभी तक नहीं। मैंने पिछले 3 साल से आर्ट लाइन ही यूज किया है और मेरा इम्प्रूवमेंट तो आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने देखा है। अगर आप शिद्दत से चाहते हो अपना आर्ट वर्क को इम्प्रूव करना तो कौन सा पेंसिल यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लग रहा है कि मैं कोई मूवी में डायलॉग दे रहा हूँ, वैसे बात तो सही है। तो लेट्स गो गाइस, अभी आउटलाइन बनाते हैं। वेल, आज की रेफरेंस फोटो हमने पिक कर लिया है जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। डिटेलिंग एंड हाइलाइट्स काफी बढ़िया है, जो कि मेरे लिए बढ़िया नहीं है। एक्चुअली मैं लॉन्ग टाइम बाद स्केच बना रहा हूँ, 5 महीने बाद, तो लेट्स सी कैसे बनता है। विश मी लक। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. एक और बात, ड्राइंग और वीडियो इस तरीके से एडिट करने में मेहनत लगते हैं बहुत, तो अगर थोड़ा सा आप मेहनत करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। गाइस, जब भी मुझे कुछ भी ड्राइंग बनाना रहता है मैं एक दिन पहले आउटलाइन बना के छोड़ देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जब उसे देखता हूँ उसमें गलतियाँ दिखता है। या आप कभी भी कुछ ड्राइंग बनाते हो उसे अलग नजरिए से देखते हो, अलग एंगल से देखते हो, अलग समय पे देखते हो, तो आपको गलतियाँ इजीली दिखता है। मेरा गोल यही रहता है कि मुझे परफेक्ट आउटलाइन बनाना है तो मैं समय देता हूँ, क्योंकि आउटलाइन में स्टार्टिंग में गलती करोगे तो उसे बाद में ठीक नहीं कर सकते आप। I'm all alone in my hotel room. I'm getting drunk on booze from the mini bar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up, I know your number by heart. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. Still I dream of you and say your name in my sleep. Tell me isn't that crazy? Just wanna call you up and tell you how I feel. Day 2 या second day ही है, इतना दिन बाद स्केच करके अच्छा लग रहा है। या literally मैं enjoy कर रहा हूँ स्केच का जो टेक्निक होता है, लेयर बाई लेयर शेडिंग कर रहा हूँ, देन ब्लेंड कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ, जिस बारे में बात करना था कि एक्सपेंसिव पेंसिल से क्या फर्क पड़ा है, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं, थोड़ा बहुत क्वालिटी अच्छा है पेंसिल का, बस इतना ही। आर्टवर्क तो अपने स्किल के ऊपर है, तो आपके पास जो पेंसिल है उस पेंसिल से आप कुछ भी बना सकते हो। या तो गाइस, तीसरा दिन है ये और आज मेरा प्लान है इसे कंप्लीट करने का, जितना भी हुआ है आज कंप्लीट करेंगे। और फाइनली गाइस, हमारा न्यू टेबल आने वाला है, बन रहा है, जब भी बन जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, दिखाऊंगा अच्छे से। ये कोई टेबल नहीं था, तो चलो इसे कंप्लीट करते हैं। हेलो,
How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. आर्ट फील्ड में जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक टिप्स देता हूँ जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ध्यान से सुनो। हम लोग आर्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, फोटो खींच के इंस्टा पे डालते हैं, उसको अच्छे से देख के ऑब्जर्व नहीं करते कि क्या गलती किया है। मेरा इतना जल्दी इंप्रूव होने का राज यही है कि मैं उसको अच्छे से देखता था क्या गलती किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना करे। अपने आर्ट वर्क में गलतियां ढूंढो। आप अपने गलतियों को ढूंढोगे नहीं, उसे ठीक नहीं करोगे, तो बार बार वही सेम गलती करते जाओगे। और यही सबसे फास्टेस्ट वे जिसमें आपको मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने आर्ट वर्क में। और ये गलतियां आपको तभी दिखना शुरू होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। या गाइस, किसी भी चीज पे आपको इंप्रूव करना है तो आपको रेगुलर उस पर काम करना पड़ेगा। रेगुलर करोगे तो जल्दी गलतियाँ दिखेगा और इम्प्रूव कर पाओगे। मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने डेली एक एक स्केच बनाता था और इम्प्रूवमेंट। तो गलतियाँ ढूंढो, अगर गलतियाँ दिख रहा है तो ऑलरेडी आप उससे बेटर बन चुके हो, उससे बेहतर बना पाओगे। अभी आप जब अपने बचपन का आर्टवर्क देखते हो तो आपको गलतियाँ ऐसे ही दिख जाता है ना, वो भी सेम इसी कारण से दिखता है। तो अभी के गलतियों से डरो मत, गलतियाँ हो रहा है तो अच्छी बात है, आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो गाइस, ये मैं आउटरो कुछ दिनों की बाद शूट कर रहा हूँ। ये ड्राइंग आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके। ये पेंसिल को यूज़ करके मैंने और दो तीन ड्राइंग बनाया है, एंड यूज़ करने के बाद मेरा फीडबैक यही है कि एक आर्टिस्ट को, अच्छे आर्टिस्ट को आप कुछ भी पेंसिल दे दो, कुछ भी मटेरियल दे दो, सस्ते से सस्ता वो एक मास्टरपीस बना देगा। तो ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मटेरियल आप यूज़ करो। प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल पेंसिल यूज़ करो। अब धीरे धीरे जब आप बेहतर बन जाओगे, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कब आपको एक्सपेंसिव पेंसिल खरीदना है। बाय द वे, आज रक्षाबंधन है, तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। अभी मैं फिलहाल कुछ दिनों से वीडियोस कम आ रहे, मैं अपने ड्राइंग स्किल को और अच्छा बनाने के लिए उस पर काम कर रहा हूँ। मैं अभी बहुत सारे फिगर स्टडी वगैरह ये सब कर रहा हूँ नॉर्मल रफली। फास्ट मुझे ड्राइंग स्किल अपने इंप्रूव करना है, फिर मुझे वाटर कलर सीखना है अच्छे से। ये मेरा अभी फिलहाल दो गोल है, और दो बड़े बड़े वीडियोस का प्लानिंग चल रहा है साथ साथ में, जो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मिस्टर बीस्ट वाले वीडियो से भी बढ़िया होने वाला है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी आ रहा है। आप एक काम करो, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, जब भी आने वाला होगा मैं इंस्टा पे अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, थोड़ा कनेक्शन बन जाएगा, हमारे दूरी कम हो जाएगा। मैं कुछ भी छोटा मोटा करता हूँ तो डालता रहता हूँ इंस्टा पे, तो आ जाओ, स्टोरी डालता रहता हूँ। और आप भी अपना आर्टवर्क को शेयर करो मुझे टैग करके, मैं देखूंगा शेयर करूंगा, तो थोड़ा एक आर्ट कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगा। तो जाओ जाके मुझे इंस्टा पे अभी के अभी फॉलो कर लो, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं उस स्पेशल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Odd person, I run in dark circles. I would love a long life, cause I love how life's worthless. I'ma paint purple, cause blue's overrated. We all outdated. Don't need you to save me, but I just really need to be saved. I'm just so sick of waiting.
I want to reach 1 million.